अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मैं आज ही अपलोड करूँगी। रोज़ कोशिश करती हूँ लेकिन किसी न किसी वजह से मेरा व्लॉग जो है वो रह जाता है। एक्चुअली मेरे फ़ोन में एक तो मेमोरी का बड़ा इशू है, बहुत सारी एप्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं तो उस वजह से। इन शॉर्ट में मैं क्लिप्स, वॉइस ओवर एडिटिंग हर चीज़ कर देती हूँ। जब वो फिनिश व्लॉग की सूरत करना होता है तो मेमोरी का इशू आ जाता है कि इतनी मेमोरी आपको चाहिए ये व्लॉग अपलोड कैसे सेव करने के लिए। जी अपलोड तो खैर हम यूट्यूब पे करते हैं। तो फाइनली मैं इफ्तारी अपनी सहरी जो है वो अभी कर रही हूँ। और ये जो सहरी है ये 12वें रोज़े की है, सॉरी 12वें की नहीं 13वें रोज़े की है। और उसके बाद जो है ये कल मगरिब की मगरिब के वक्त के क्लिप्स हैं। और इसके बाद जो आप क्लिप्स देखेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के होंगे, जो आज सहरी और इफ्तारी की। क्योंकि सहरी जो है वो मैं क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, ओवरऑल मैं सारी रात जागी थी, पर फिर भी सहरी के वक्त जो है ना मुझे वो काफ़ी नींद आ रही थी। तो फिर 4 बजे मैं सोई, 4:30 हो गए, लेकिन फिर मैंने जो है वो 10 से 15 मिनट पहले मैं उठ गई और फिर मैं सहरी की। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या होता है कि खाना जो है वो खाया नहीं जाता और बहुत ड्राउजीनेस फील होती है। तो खैर इस वक्त मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, मेरी अम्मी को वो बैठ के पढ़ रही हैं क्योंकि उनके जो है वो प्रॉब्लम है बाजू में। तो वो सजदा जैसे देते हैं हम तो उस पर स्ट्रेस पड़ेगा बाजू में, जिस वजह से जो है अम्मी बैठ के नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज तो हर सूरत पढ़नी चाहिए, चाहे हम बीमार हैं या कुछ भी हैं, नमाज हम पढ़ से सिवाय सफ़र के हमें हर सूरत नमाज जो है ना पढ़नी है, वो किसी सूरत हमें जो है वो नहीं मिस करनी चाहिए। तो ये था आज की कुछ क्लिप्स। नमाज असर का वक्त हुआ जाता है इस वक्त और इसके बाद जो है वो मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन करूँगी। कुछ ख़ास नहीं, चना चाट बनाऊँगी, दही फुल्की बनाऊँगी और फ्रूट्स तो मम्मा कट करती हैं। तो इस वजह से फिर अब ये मैं बैठी हुई थी क्योंकि आजकल क्लिप्स ज़्यादा नहीं बन पा रहे ज़्यादा कुछ। मैं चाहती हूँ कि रेसिपीज शेयर करूँ पर बिजीनेस इस कदर है कि जिसकी वजह से जो है वो मुझे शॉर्ट शॉर्ट अपने खाने के ही क्लिप्स बना पा रही हूँ। खैर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को हरा भरा रखे, आमीन सुम आमीन। और इसके बाद जो है वो मैं पीऊँगी चाय और चाय पीने के बाद ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक बात आपके साथ शेयर करूँ, ये जो पानी है ये उबले हुए चनों का जो पानी होता है वो मैं पीती हूँ सहरी इफ्तारी करने के बाद। शरबत नहीं पीती, शरबत पीना भी नहीं चाहिए, इससे वेट बहुत बढ़ता है। सारा दिन हम जो रोज़ा रखते हैं कैलोरीज बर्न होती हैं उस, और जो एक ग्लास शरबत का पीते हैं उससे वो सारा हिसाब बराबर होता है। तो ये था आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।